In this presentation, we will discuss the rules of Islamic law pertaining to the capital of mudarba business. The first and foremost condition and rule of Islamic law relating to the capital of mudarba business is that the capital should be in monetary form, it should be in money form. के जो आप कैपिटल दें वो रुपए पैसे या के किसी करेंसी मॉनेटरी फॉर्म मॉनेटरी की शक्ल में हो ये मर्चेंडाइज सामान तजारत लैंड या के प्रॉपर्टी ना हो कदीम फुका इस हवाले से एक सख्तगीर मौकफ रखते हैं उनका ख्याल ये है कि अगर मुदारबा का कैपिटल मनी फॉर्म में ना हुआ और मुदारबा का कैपिटल मर्चेंडाइज सामान तजारत लैंड प्रॉपर्टी की शक्ल में हुआ तो उसका नुकसान माल को भी हो सकता है और मुदारब को भी हो सकता है मुदारब को इस तरह नुकसान हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या कि जिस वक्त मुदारबा लिक्विडेट हो रहा है डिसोल्यूशन उसकी हो रही है जिस वक्त के आप जितने भी एसेट्स हैं उन्हें आप कन्वर्ट करते हैं कैश फॉर्म में उस वक्त मुमकिन है कि माल का इसरार हो कि उसने जो मर्चेंडाई सामान्य तिजारत, लैंड प्रॉपर्टी या इक्वमेंट उसने जो दिया है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है यानी वो हायर साइड पे उसकी वैल्यूएशन करेगा जिसका के नुकसान मुदारब को होगा कि मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके कैपिटल की सूरत में चला जाएगा उसके ओरिजिनल कैपिटल की सूरत में चला जाएगा दूसरी सूरत यह हो सकती है कि मुजारिब उसे बहुत ही अंडर वैल्युएशन उसकी करे यानी उसकी कीमत इतनी कम लगाए कि उसका नुकसान माल को हो और माल के मुनाफे का बड़ा हिस्सा इस तरीके से जाया हो जाए ताहम मॉडर्न श्री स्कॉलर्स वो ये समझते हैं कि जो मर्चेंडाइज हैं या जो फिजिकल एसेट्स हैं उन्हें कैपिटल ऑफ मुदारबा बनाया जा सकता है बशर्ते के उनकी प्रॉपर वैल्यूएशन हो और ये वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग या के एट द टाइम ऑफ कंक्लूडिंग मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट हो यानी अगर उस वक्त इसकी वैल्यूएशन हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके सारे जितने एसेट्स हैं या मर्चेंटाइज सामान तजारत है वो सारे के सारा गोया के कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है एक और जो कंडीशन है वो यह है कि ये रेडी कैश हो ये डेट्स ना हो यानी के आप बाकायदा कैश की शक्ल में मनी फॉर्म में मुदारब को ये कैपिटल फ्राहम करें आप उसे यह ना कहें कि जो कर्ज तुमने मुझे देना है या जो डेट आउटस्टैंडिंग है अगेंस्ट यू उसे तुम मुजारबा का कैपिटल बना लो यानी इसका मतलब यह है कि वो डेट्स या कि वो लोन विच इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट मुजारब इट नॉट बी मेड द कैपिटल ऑफ मुदारबा बिजनेस उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि इस सूरत में रबुलमाल इसे एक सूद का हीला बना रहा हो यानी उसे ये कह रहा हो कि, कि ये तुमने एक लाख रुपए जो मुझे देने इसे मुजारबत में लगा लो और मुझे इस पे मुनाफा दे देना यानी दूसरे अल्फाज में वो इस पे एक इसे एक सूदी कर्ज की सूरत उसे वो दे रहा है और असल उसकी नीयत जो है वो किसी बिजनेस की नहीं है इसी तरीके से वो जो कैपिटल है इट शुड बी नोन एंड आइडेंटिफाइड के वाज तौर पर कि ये कितनी रकम है रुपीज में डॉलर्स में यूरो में या कि किस करेंसी में और जो आखिरी चीज है वो ये है कि इट शुड बी हैंडेड ओवर टू मुदारिप के मतलब ऐसा नहीं है कि रबुल माल ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके उसे दे बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ही जिस रकम का तयन किया गया है कि ये मुजारबा कैपिटल होगा एक लाख रुपए हैं दो लाख रुपए हैं एक मिलियन है दो मिलियन है वो सारे का सारा आप मुदारब को हैंड ओवर करेंगे ताकि उसकी जो लिबर्टी है या कि जो उसका फ्रीडम ऑफ एक्शन है वो बरकरार रहे अगर आप ये कैपिटल उसे कॉन्ट्रैक्ट के वक्त अगर आप उसे नहीं देते ग्रेजुअली देते हैं तो गोया के आप उसके उसके काम में इंटरफियर कर रहे हैं और उसकी जो लिबर्टी ऑफ एक्शन है उसे आप मुतासर कर रहे हैं